हेलो एक तो आपको ये बात बता दूं मैं क्लियर, आंटी का रवैया बहुत खराब है। हमने देखा कि वादे में यहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अंदर बीजेपी के बकायदा वो निशान लगाए हुए, बैनर लगाए हुए, फूल का कमल का निशान लगाए हुए और वहाँ प्रचार भी कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग डला रहे हैं। यहाँ का बीएलओ, यहाँ का बीएलओ और जो अनुपात्र है ये सब मिलकर अपने आपको यहाँ का अधिकारी प्रशासन के द्वारा, तो हमने भी प्रशासन को इसकी शिकायत दी, यानी जोनल मजिस्ट्रेट ने उनको लिखित में रिटर्न एप्लीकेशन दी हमने कि उसको तुरंत कार्रवाई हो। ये जो फर्जी वोटिंग यहाँ पे सुबह से लेकर आपको चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो इसका हमने मतदान दोबारा करने की और उस अधिकारियों को तुरंत यहाँ से हटाने की कार्रवाई करने के लिए हमने मांग करी है। प्रियंका जी ने अभी हमको आश्वासन दिया है कि वो यहाँ पे खुद मौजूद है, इस बात को वो देख रही है, तो हम आगे उनके आश्वासन पर सबको हम लोग ने बोल दिया कि यहाँ शांति से भला होगा, जैसा भी ये देखते हैं। हमने अभी घर का बीएलओ मिला हुआ है बीजेपी से, बस यही बात है, और पूर्व पार्षद धक्का मुक्की कर लिया हम कार्यकर्ताओं से। पार्षद कमलेश जैन, ये दयानंद स्कूल है केसरगंज चौकी में, इसको लेकर के कंप्लेन आई थी सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ, तो यहाँ पर आ गए थे, मैं आ गया था, अपने एरिया मजिस्ट्रेट भी आ गए थे, बातचीत हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों पार्टियों से बात कर ली और संतुष्ट हैं, और यहाँ पर कोई फर्जी मतदान या ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, आप देख सकते हैं कि सब आराम से नियम अनुसार वोटिंग चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात ही सामने नहीं आई तो गिरफ्तारी की तो सवाल ही नहीं होती है। हंगामे के दौरान किसी की पिटाई भी हो गई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पिटाई विटाई कुछ नहीं, कोई कंप्लेन आई तो हमने आकर के चेक कर लिया और दोनों पार्टियों को भी संतुष्ट कर दिया, दोनों संतुष्ट हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं आती है।